हिमाचल में लगातार हो रही बर्फबारी के चलते भूस्खलन हो रहे हैं। कहीं गाड़ियां बर्फ के नीचे दब गई तो कहीं पानी में बह गई। बड़े बड़े पेड़ टूटकर सड़कों पर गिर गए हैं। इस बीच मनाली में एवलांच में भूस्खलन हुआ और हिमस्खलन भी। इससे नेहरू कुंड के पास मनाली सोलंगनाला रोड पर कई गाड़ियां लटक गई। जिला कुल्लू और लाहौल में बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। जिला कुल्लू में दो दिनों से बारिश का कहर जारी है। खास करके रात के समय मूसलाधार बारिश होने से ब्यास नदी के साथ ही सरवरी खडूर का जलस्तर एकाएक बढ़ गया। नदी के पास भूस्खलन होने से कुल्लू मनाली वामतट बंद हो गया। वहीं मणिकर्ण सड़क में जगह जगह भूस्खलन हुए हैं। बर्फबारी और बारिश से जिले में कई सड़कों के साथ कई क्षेत्रों में बिजली की सप्लाई भी ठप हो गई है। भारी बारिश के बीच शनिवार को हजारों विद्यार्थी परीक्षा देने पहुंचे थे, लेकिन परेशानी का सामना करना पड़ा था। वही मुख्यालय कुल्लू के सरवरी में स्थित अंतर्राज्यीय बस अड्डा के साथ लगते हनुमानी बाग और खोरी रोपा में सरवरी खड्डू का पानी पार्किंग और फुटपाथ तक बह गया। पार्किंग में निजी स्कूल बस के साथ 10 से 15 छोटे बड़े वाहन फंस गए। वहीं हनुमानी बाग और खोरी रोपा होकर ढालपुर पहुंचने वाले दोनों पैदल रास्ते भी बंद हो गए हैं। ढालपुर पहुंचने के लिए राहगीरों को कुल्लू बस अड्डा से होते हुए वाया लोअर ढालपुर आना पड़ रहा है। कुल्लू मनाली हाईवे पर भी रामशिला से कुल्लू की ओर आने वाली लाइन पर बारिश का पानी भर गया। हाईवे आधा किलोमीटर तालाब बना हुआ है, साथ ही सालों पुराना मलबा भी यहां से हटाया नहीं गया है। मूसलाधार बारिश ने कहर बरपाना आरंभ कर दिया है। पहाड़ी से गिरे पत्थर और मलबे चौहड़ा डैम में गिरते भी नजर आए। खैर, सूचना मिलने के बाद लोक निर्माण विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर मार्ग को यातायात के लिए बहाल करवाने का कार्य भी किया। वहीं सुंडला बनीखेत मार्ग पर सलंदरी पुल के पास पहाड़ी दरकने से मार्ग पर वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गई। गनीमत ये रही कि यकायक दरकी पहाड़ी से होने वाले भूस्खलन की जद में कोराहगीर या वाहन चालक नहीं आया, अन्यथा बड़ी दुर्घटना भी हो सकती थी। मनाली लेह मार्ग पर नेहरू कुंड के समीप भारी मात्रा में हिमस्खलन हुआ है। इसके कारण सड़क किनारे पार्क पर रखी कुछ गाड़ियां बर्फ में दब गई। हालांकि फिलहाल नुकसान की कोई सूचना नहीं है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई है। बर्फबारी के चलते श्रीनगर लेह मुगल रोड सिंथन किश्तवाड़ बांदीपोरा गुरेज और कुपवाड़ा तंगधार सड़कों पर भी ट्रैफिक रुका रहा। हिमाचल के अटल टनल रोहतांग केलांग जिस्पा दारचा कोकसर और लाहौल घाटी में 4 से 6 इंच से ज्यादा बर्फबारी हो चुकी है। अटल टनल के लिए वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। लाहौल स्पीति में सबसे ज्यादा 228 सड़कें बंद हैं।